हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो मैं अपना इस साल का लास्ट ओवरव्यू देने अपने गार्डन में आया हूँ। तो आज बहुत देर बाद धूप खिली है और हल्की हल्की धूप है, तो ठंड में अपने गार्डन का ओवरव्यू देता हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं मेरे गार्डन में क्या क्या चल रहा है इस वक्त। तो मैं अपने कैमरे के एंगल को मैंने वाइड एंगल पर सिलेक्ट किया है, तो इसमें क्या है कि वाइड आपको थोड़ा व्यू आएगा, बट मैं क्लोज व्यू भी आपको दिखाऊँगा। तो ये देखिए, ये मेरी पहली क्यारी है। इसके अंदर इस साल मैंने गोभी लगाई है, तो पालक इस साल मेरी ना ज़्यादा उगी नहीं, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ही गोभी लगा दी इस साल। तो ये पौधा गिर रहा है, इसको सीधा करते हैं। तो गोभी लगा दी मैंने, और गोभी के थोड़े से पौधे ठंड के कारण अभी इनकी ग्रोथ स्लो हो गई है, क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ठंड पड़नी शुरू हो गई एकदम से यहाँ पे। और यहाँ पर साइड्स पर मटर को भी फूल लग रहे हैं, ये देखिए मटर को भी फूल लग रहे हैं, और बहुत जल्द इनके ऊपर भी मटर लगेंगे, हरे हरे ताज़े मटर। उसको खाने का अलग ही मज़ा आता है, जो अपने घर के मटर होते हैं। तो ऐसे इनकी बेलों को सपोर्ट चाहिए। और आगे है यहाँ पे मेथी, मैंने सो की थी यहाँ पर, पहले साग लगा हुआ था उसको हार्वेस्ट करके मैंने मेथी लगा दी है यहाँ पे। और इधर भी दो लाइंस गोभी की भी लगा दी हैं, बीच में जगह थी तो। और यहाँ पर मेरी मूलियाँ चल रही हैं ऑलरेडी, मूलियाँ मैंने जो बड़ी बड़ी थी मूलियाँ वो निकाल ली हैं मूली, बट अभी मूली यहाँ पर पतली बहुत है, क्योंकि मैंने ऐसे ही लगा दी थी बिना कुछ प्रेपरेशन किए ज़्यादा। तो मूली ऐसे दो दो तीन तीन पौधे इकट्ठे भी हुए हुए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मूली वैसे तो बाहर आ रही है, बट मूली पतली बहुत है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ही पकने देता हूँ मैं। तो फिर जो इनका सीड पॉड होता है उसको मूंगरा बोलते हैं यहाँ पे, तो उसकी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है आलू के साथ। तो वो यहाँ बहुत ज़्यादा लगेंगी जब ये पक जाएगी मूली, तो उसके लिए मैं पका रहा हूँ। और इधर मेरा एज़ यूजल पॉमीग्रेनेट अनार का प्लांट और एक नींबू का प्लांट है। नींबू का प्लांट हल्का सा भी बेचारा कमज़ोर हो रहा है, इसके लिए मैंने माली से कुछ पूछा है। तो ये नीचे मेरी मेथी चल रही है, मेथी जो है इसके अंदर कीड़ा लग गया था मेरी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि वाटर स्प्रे किया, अच्छे से पानी प्रेशर से मारा, तो उससे साफ़ हो गया कीड़ा, तो अभी कम है कीड़ा, अभी चला गया। तो मेथी और इधर धनिया चल रहा है मेरा, धनिया बहुत अच्छा चल रहा है इस साल मेरा। और इधर मैंने दोबारा मूली लगा दी, ये भी मूली चल रही है, और बीच में आलू भी अपने आप ही उगी जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी आलू लगे, आलू साइड्स पर मटर और बीच में आलू लगा सारा। तो यहाँ पर आलू के ऊपर मैंने लास्ट अपडेट दिया था कि आपको मिट्टी कैसे चढ़ानी है, तो भी मिट्टी चढ़ाने के भी 15 दिन बाद का ये है अपडेट। तो देखिए बीच में आलू बन रहे, एक ना आलू बाहर भी आ गया था बनता बनता, ये देखिए आलू बाहर आ गया। तो ये भी कनेक्टेड है उसके साथ, अपनी रूट के साथ। तो ऐसी इसके ऊपर मिट्टी आपको चढ़ाते रहनी है, बस जितनी आप मिट्टी चढ़ाई जाएंगे उतने उसके अंदर आलू बनते जाएंगे, बस यही इसका फंडा है। बीच में से मिट्टी निकाल निकाल के आपको ऊपर चढ़ाई जानी है। तो अभी जनवरी एंड में या जनवरी मिड के बाद ही ये पकेगी आलू की फसल, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सर्दियों में प्लांट की ग्रोथ बहुत कम होती है। और साइड्स पर मटर की बेलें देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं बेलें मटर की, इनको सपोर्ट के लिए मैंने ये स्टिक्स लगाई हैं। और तुलसी जो है मेरी, ये 3 गमलों में लगी हुई है, बहुत पुरानी तुलसी है मेरी, और बाकी तुलसी मैंने अपनी हार्वेस्ट कर ली थी सारी। तो सर्दियों में वैसे इनके पत्ते झड़ जाएंगे अभी जनवरी में, तो मैंने इनके पत्ते ग्रीन ग्रीन ही हार्वेस्ट कर लिए सारे। और इलायची प्लांट को मैंने दोबारा रिपॉट कर दिया ताकि इसके अंदर न्यूट्रिशंस चले जाएं, मैंने खाद डाली बहुत सारी, और इसकी रूट पाउंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और मैं इसको थिनिंग भी कर दी, मैंने इसके प्लांट्स निकाल दिए कुछ सारे, कुछ प्लांट्स 2-4 फेंक दिए, एक्चुअली फेंक के नहीं, उसको भी इसके लीव्स को भी हम यूज़ करते हैं एज अ टी में, इलायची का फ्लेवर देने के लिए, इसके पत्तों में भी स्मेल आती है। और ये मेरा लेमन ग्रास है, मैंने इस साल पहली बार लेमन ग्रास किसी ने मेरे को दिया, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ लेमन ग्रास को भी इस साल, इसके अंदर वीड्स हो जाते हैं। और गोभी भी मेरी अच्छी चल रही है,
गोभी एक मैंने निकाल ली थी और ये मूलियाँ बहुत डेंस लगी हुई हैं अपने आप ही, तो इसको मैं कुछ करूँगा ही नहीं क्योंकि ये कोई फ़ायदा नहीं इसको करने का। और इसके अंदर भी कीड़े लग रहे हैं, ये देखिए कीड़ा। तो जब भी आप कीड़े देखें ऐसे एक आधे पत्ते पे, तो उसको फटाफट निकाल के फेंक दें। और ये देखिए गोभी लग रही है मेरी, ये गोभी पकने वाली है इधर, और पीछे जो गमले हैं उनमें पकने वाली है गोभी। तो इधर भी मूली अच्छी हो रही है, गमलों में मूली मैंने देखा अच्छी होती है ज़्यादा, क्यारी के बदले में मूली मेरी गमलों में पता नहीं क्यों अच्छी होती है। और ये गोभी भी पकने वाली है, तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर मैरीगोल्ड की पनीरी लाया हूँ वो लगाऊँगा। और इधर मैं सफाई कर रहा हूँ, और मेरे गन्ने देखिए कितने बड़े हो गए हैं, गन्ने मेरे 7-8 फीट पहुँच गए हैं गन्ने। और गन्ने के ऊपर भी आप थोड़ी मिट्टी चढ़ाते जाएं और इसको सपोर्ट देते जाएं, और साथ में आप इसकी प्रोपेगेशन भी करते जाएं, ताकि अगर आपको और चाहिए तो जैसे ही इसके नीचे से पौधे निकल रहे हैं तो आप इसको अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे मैंने उधर लगाया बाल्टी में एक। और ये मेरी गोभी, ये मैंने छोटे छोटे पौधे और लगाए हैं गोभी के, इधर भी 12 गमले गोभी के। और इधर मैंने ये एंगल अभी लगवाना है इधर, और मैं गर्मियों की पहले ही प्लानिंग कर रहा हूँ ताकि इधर भी एक लग जाए एंगल। और इधर बाकी मेरा हाउस प्लांट्स हैं, बाकी नॉर्मल परमानेंट प्लांट्स, क्रिसमस ट्री और फाइकस, सिंगोनियम, और ये जो है फियोनिक्स पाम, ब्रायोफिलम, पत्थरजट के प्लांट को भी देखिए अभी फ्लावरिंग होने लगी, पहली बार मेरी छत पे इसको फ्लावरिंग हो रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मनी प्लांट, और ये जो है हिबिस्कस की एक वैरायटी, स्पाइडर प्लांट, और ये मेरी एलोवेरा, ये बहुत ज़्यादा रश हो गया एलोवेरा का, मैं इसकी अब निकाल रहा हूँ एलोवेरा को, थोड़े से पौधे मैंने साइड से निकाल दिए। और मेरी मेथी इस गमले में भी लगी है, इन गमलों में, और अभी तक देखिए कनेर की अभी तक फ्लावरिंग हुई जा रही है, इतनी ठंड में भी देखिए कनेर को जब अच्छी केयर मिलती है तो पूरी फ्लावरिंग प्रॉपर करता रहता है। और ये भी जो प्लांट है कलियों का, और प्लूमेरिया भी, प्लूमेरिया भी देखिए पूरी फ्लावरिंग करी जा रहा है। प्लस आपका ये जो है, ये मैंने खाद अपनी स्टोर की है इसलिए थोड़ा सा उधर अरेंजमेंट ठीक नहीं लग रहा था, मैंने बहुत 10-15 बोरी खाद लेके आया था मैं, तो ये खाद इधर ही स्टोर कर रहा हूँ मैं अभी ड्रम में, पूरा ड्रम भर के खाद है। और ये मेरा चाइना रोज इस वक्त बहुत अच्छी, देखिए कितनी बड्स आ रही है इसके ऊपर सर्दियों में भी। और इधर भी गोभी लगी है, और मैं मूलियाँ हार्वेस्ट कर रहा था आज कुछ, ये देखिए मूली कितनी अच्छी लगी है मेरी, ये देखिए कितनी मोटी मूली निकली है, कि देखिए ये देखिए मैंने कुछ तोड़ी है अभी। और इधर उधर झंडा लगा था तो मैंने अभी झंडा उतारा है, अभी मैं दोबारा उधर लगाऊंगा, तो अभी दोबारा झंडा भी लगाएंगे। प्लस अभी यहाँ पे एक और मूलियों के पौधे थे 2-4 बड़ी वाली मूलियाँ, ये देखिए मूलियाँ, ये इतने साइज़ की मूलियाँ तो जेन्युइन निकल आती हैं। और इधर भी देख लेते हैं कोई मूली बड़ी हो तो निकाल लेते हैं हम उसको भी। भी छोटी है, थोड़ी सी पतली है, अभी बड़ी हो रही है, बट ये जो मूलियाँ बाहर आ जाती हैं ये तो पक्की हो जाती हैं, ये पक्का बड़ी हो ही गई हैं। देखिए कितनी सारी मूलियाँ, तो मूलियाँ मैं सोच रहा हूँ अगली बार से गमलों में ही लगाऊँ ज़्यादा, क्योंकि मूली ज़्यादा गमलों में अच्छी निकलती है मेरी। और ये देखिए खरपतवार कैसे उगते हैं, बिल्कुल आलू के जैसे मैचिंग खरपतवार, वीड्स जो हैं ये बहुत परेशान करते हैं। अभी आलू छोटे छोटे हैं, इतने इतने हैं, अभी बड़े बड़े हो जाएंगे इतने इतने जनवरी एंड तक, तो तब तक मैं इन प्लांट्स को छेड़ूंगा नहीं, एज इज ग्रो होने दूंगा इनको।
और फिर हार्वेस्टिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं, कैसे लगते हैं हार्वेस्टिंग। मेरा तो गैस है कि 12 किलो एक क्यारी से निकलेंगे, 12 किलो 24 किलो पूरे निकलने चाहिए, 24-25, बट देखते हैं। और इधर रोज़ प्लांट का भी आपको देना दिखाना भूल गया, मैंने कटिंग की थी इनकी, तो अभी देखिए कैसी अच्छी ब्रांचेस निकल रही हैं और बड भी आ रही है। तो ये ऐसे ही अच्छे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स और सारे मिक्स करके मैंने लगाए हैं। ड्रेसिना ये जो है मेरा, ये भी अब अच्छा चल रहा है। तो मेरे को अपने गार्डन में आके ऐसे बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना और उनकी केयर करना। तो ये भी अभी जगह खाली कर दी है मैंने बीच में से, ताकि गर्मियों में प्लांट्स में इधर रख लूँ शेड नेट के नीचे। तो इसलिए मैंने ये जगह को, पहले आपने देखा होगा पहले 2 फीट थी, फिर 3 फीट की मैंने ये क्यारी उधर सरका के, अब ये वाली भी इधर 1 फीट कर दिया, तो बीच में 4 फीट जगह हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। आशा करता हूँ कि आप भी अपने गार्डन को अच्छे से देखें और अपने गार्डन का ख्याल रखें। बाय बाय।